नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोगों की एलटी ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी और उस टेस्ट सीरीज़ में आपके 15 टेस्ट हो चुके थे। आज हम लोग 16वां टेस्ट देखेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए और कितने सही किए। और दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाह रहा था आप लोगों को कि UPPCS मेंस 2017 वाला एग्ज़ाम जो है दोस्तों मेंस की डेट आ चुकी है और टलेगा नहीं टलेगा वो बात की बात है। और उसके लिए UPPCS मेंस की जो 2017 का है तो उसके लिए आप लोगों को करंट अफेयर एक साल की तैयार करनी होगी। और करंट अफेयर्स के लिए वो आपकी काम करेगी 19 अगस्त को जो कोई UPPCS प्री 2018 का होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो उन दोनों एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर और कई डिटेल में करंट अफेयर आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और एक चीज़ ये हो गई और आपका UPPCS PT जो होने वाला है UPPCS PT 2018 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 का एग्ज़ाम कब होने वाला है 19 अगस्त को, ध्यान रखिएगा 19 अगस्त को जो पेपर होने वाला है तो उसके लिए भी करंट अफेयर और सारी चीज़ें मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगा और करंट अफेयर का वीडियो आज मैं डालूंगा। और एक साल की करंट अफेयर आप लोगों को तैयार करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और उसके चुनिंदा क्वेश्चन आज शाम तक मैं वीडियो एक और डाल दूँगा करंट अफेयर का और डेली करंट अफेयर के लमसम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये 16वीं टेस्ट सीरीज़ है एलटी ग्रेड की। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हरविजय सूरी जी को सबसे मतलब अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। अब है क्या कि आपकी अकबर ने हिंदू धर्म से सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावित था, एक ये बात थी। और हरविजय सूरी को अकबर ने सम्मानित किया था जो कि एक जैन आचार्य थे, जगत गुरु भी इन्हें कहा जाता था, ठीक है। और इनको युग प्रधान की उपाधि मिली थी। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो बादशाह कौन थे इसको आपको बताना है। सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में उस समय आपके जो इंडिया में बादशाह थे वो कौन थे, अकबर थे। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। कब हुई थी, राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। और मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो मेयो कॉलेज की स्थापना आपकी 1875 में हुई थी। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो वो केस कौन था आपको यह बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथे का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह केस था जो कि उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में यह बताया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो कौन कौन से लोग शामिल होते हैं ये आपको बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पांचवे का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों
के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो कौन सा कारक है उसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिक्स का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, जो कि एक प्रवाल विरंजन का सबसे सर्वाधिक प्रभावी कारक माना जाता है। ठीक है, प्रवाल विरंजन जो होता है आपका समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवाल की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन। इन पश्चिमी वाहिनी, जो पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं, में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सातवें का सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है और अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके उत्तर में जो है विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। ठीक है, इधर आपका विंध्याचल है और नीचे जो है दक्षिण में आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, लेज़र के द्वारा क्या चीज़ उत्पन्न की जाती है, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आठवें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है लेज़र के द्वारा। अब लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका विस्तृत रूप है, और जिसका अर्थ है कि विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित एक लेज़र एक ऐसी युक्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कैसीन के कारण। अब देखिए बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई नामक जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं, वह दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज, शर्करा का किण्वन करके एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और दूध में धवल रंग जो पाया जाता है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दसवें का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग्यारहवें का सही आंसर है ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। अब 1953 में जे वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तावित किया था, और इसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बारहवां नंबर क्वेश्चन। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बारहवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन के संवेदनशीलता का विषय है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो अंतर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अगर हम लोग इस पर संवेदनशील नहीं हुए तो ये नष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तेरहवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो कौन सा माप है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तेरहवें का सही आंसर है ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रा स्फीति के आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या माना जाता है, तो ये इसको
थोक मूल्य सूचकांक है। वर्तमान में क्या होता है, इसके आंकड़े मासिक स्तर पर जारी किए जाते हैं। इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12 कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, किस टाइप के पदार्थों या उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14वें का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। 15वें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोटोन कहलाता है। ठीक है, दो समुदायों के बीच का क्षेत्र जो होता है संक्रमण क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 16वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे, तो उनका नाम आपको छांटना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 17वें का जो सही आंसर है ऑप्शन ए बी वी गिरी जो थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वी वी गिरी, 1969 से 1974 के बीच में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और इसके ट्रेड यूनियन आंदोलन के ये अध्यक्ष भी चुने गए दो बार। चलिए आगे देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपका विकलांगों के लिए प्रमुख जो संस्थान है, तो जैसे देखिए एक राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान है जो कि आपका कोलकाता में है, एक पहली बात ये हो गई। दूसरा अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर संस्थान जो है आपका कहाँ पर है, मुंबई में है। और जो आपका हैदराबाद में सिकंदरा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जो है वो सिकंदराबाद में है। चलिए आगे देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय क्षेत्र में दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार जो है देश में नाभिकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 20वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था कौन सी मानी जाती है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और गेहूं जो है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा है, सामान्यतः वर्षा जो चाहिए होती है इसके लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, और बोने के लिए 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई की अति आवश्यक होती है। और इसकी अवस्था कौन सी मानी जाती है, बीज जब निकल रहे हैं ताज निकलने की अवस्था जो होती है उसी समय सिंचाई की जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बजट भाषण में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस वित्तीय वर्ष में कितने नए शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.88 करोड़ शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बजट भाषण स्वच्छ भारत मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.88 करोड़ नए शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी कहां पर स्थापित की है, तो उसको आपको बताना है। 22वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। अब महेंद्र सिंह धोनी ने संयुक्त अरब अमीरात में अपनी प्रथम वैश्विक क्रिकेट अकादमी स्थापित की है। चलिए आगे देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। BIOS का पूरा नाम क्या है, इसको आपको बताना है।
देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बायोज जिसको बोलते हैं। 23वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको कहा जाता है बायोस, इसका फुल फॉर्म है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सर्च इंजन कंपनी के विरुद्ध वेतन एवं प्रोन्नति के मामले में संदर्भ में महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया, तो कौन सी कंपनी है ये, इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल, यह कंपनी है अमेरिकी कंपनी गूगल की महिला कर्मचारियों ने वेतन और प्रोन्नति के मामले में भेदभाव बरतने को लेकर मुकदमा दायर किया। चलिए आगे देखते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किन खाड़ी देशों द्वारा पहली बार वैट लगाया गया, तो वैट किस खाड़ी देश के द्वारा लगाया गया यह आपको बताना है। 25वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया के द्वारा, दो देशों ने लगाया है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए और मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। और दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जैसे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है और इनको आप लोगों को ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 323 इसका सही आंसर निकल कर आएगा। और पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ में आंसर की विद आंसर की मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और टेलीग्राम पर एक चैनल है पीसीएस एकेडमी के नाम से, वहां पर भी मैं सारी की सारी पीडीएफ डाल देता हूं, तो जहां से आपका इच्छा करे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर को बताइए कौन सा आंसर होगा। 27वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 23/13 इसका सही आंसर निकल कर आएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको देखिए और पढ़िए, पढ़ने के बाद ट्राई कीजिए, देखिए कौन सा आंसर निकल कर आएगा। 28वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010 इसका सही आंसर निकल कर आएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए। 29वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 81:256 इसका सही आंसर निकल कर आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का है और इसको देखिए, श्रृंखला दी गई है और गलत संख्या को ज्ञात करना है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 30वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, 64 इसका सही आंसर निकल कर आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई और आप लोग रिवीजन करते रहिए, चैनल पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, RORO की टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, घटना चक्र की पूरी घटना चक्र मैंने डाल रखी है, वन लाइनर क्वेश्चन की, जो कि आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम जितने भी होते हैं जिसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको एज अ रिवीजन आप लोग ले सकते हैं, और रिवीजन जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके दोस्तों करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।